वह बिहारी सिंगर जिसने भांगड़ा को बनाया लोकप्रिय, महज 13 साल की उम्र में दिया था पहला परफॉर्मेंस, जिसे सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जाना जाता है, जिसे वॉइस ऑफ एशिया के सम्मान से भी नवाजा गया। कबूतरबाजी प्रकरण के कारण जाना पड़ा था जेल। अपने यहाँ बच्चों को नामकरण को लेकर एक बड़ा ही क्यूरियोसिटी होता है, हर कोई अपने बच्चों को नाम अलग अलग रखना चाहता है ताकि वह अलग दिखे। ऐसे में इस बिहारी परिवार ने अपने बच्चे का नाम डाकू के नाम पर रखा था। हालांकि उनके माता पिता को भी नहीं पता था कि बड़ा होने के बाद यह एक बड़ा सिंगर बन जाएगा। इस सिंगर को पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस बिहारी सिंगर ने अपनी बुलंद आवाज के दम पर पूरी दुनिया में भांगड़ा को मशहूर कर दिया। आप भी समझ ही रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं दलेर मेहंदी के बारे में। दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को पटना में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। अपनी इसी शौक की वजह से उन्होंने महज 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया। दलेर मेहंदी की माँ बलबीर कौर स्टेट लेवल की पहलवान थी, जबकि उनके पिता अजमेर सिंह चंदन बहुत ही अच्छे गायक थे। दलेर मेहंदी की फैमिली में पिछले 7 पीढ़ियों से गाना गाने का चलन चलता आ रहा है। उन्होंने पटना सिटी स्थित संगीत सदन और मुकुट संगीत स्कूल में म्यूजिक की शिक्षा ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दलेर के माता पिता उन्हें बचपन से ही राग और शब्द की शिक्षा दिया करते थे। इतना ही नहीं, दलेर ने गाना सीखने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने गाने के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और वे घर से भागकर गोरखपुर रहने वाले उस्ताद राहत अली खान साहब के पास पहुंच गए थे। उनके 2 साल के बाद उन्होंने जौनपुर में 20,000 लोगों के सामने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। शुरुआती समय में उन्होंने मात्र 1 रुपया लेकर गाना सुनाने की शुरुआत की थी। यही से शुरू होता है उनका गाने का सफर। 350वें प्रकाश पर्व मनाने पटना पहुंचे दलेर मेहंदी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा था कि गुरुघर के कर्मियों के बीच बनाए गए स्टाफ क्वार्टर में उनका जन्म हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय गुरुद्वारा में गुरु महाराज की 300वीं गुरु पर्व की तैयारी चल रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इसी कारण हमेशा गुरु महाराज को याद में यह गाता हूँ। 300 साल गुरुदेव नाल 350वें गुरु पर्व में पटना पहुँचे दलेर ने यह भी बताया कि वे बचपन में जिस तरह से मंगल तालाब पर खेला करते थे। दलेर मेहंदी जब पंजाबी इंडस्ट्री में धूम मचा रहे थे उस समय उनके दोस्त चाहते थे कि वे बॉलीवुड में गाना गाए। दलेर के बॉलीवुड की एक घटना को लेकर एक किस्सा खूब सुना जाता है, जिसमें लोग कहते हैं कि उनके दोस्तों ने कहा था कि बॉलीवुड में गाना कब गाओगे। तब उन्होंने जवाब दिया था, जब पाजी बुलाएंगे तभी ना गाना गाएंगे। तब उनके दोस्तों ने यह सोचा कि धर्मेंद्र के फोन आने का दलेर को इंतजार है, लेकिन दलेर के दिमाग में अमिताभ बच्चन का फोन चल रहा था। तब उनके दोस्तों ने कहा कि तुम्हें क्यों बुलाएंगे। जब उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि वो एक दिन हमको ज़रूर बुलाएंगे, और किस्मत देखिए, उनके कहने के 2 से 3 महीने के अंदर ही अमिताभ बच्चन का फ़ोन आ गया और फिल्मों में गाने का ऑफर मिल गया। और इस तरह से शुरू होता है दलेर मेहंदी का फिल्मी करियर। बाद में वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए और कैब ड्राइवर के रूप में उन्होंने काम भी किया था। दलेर मेहंदी के नाम के आगे दलेर लगने के पीछे भी एक कहानी है। दलेर मेहंदी के माता पिता डाकू दलेर सिंह से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी रख दिया था दलेर। बाद के समय में जब वे गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़े तो उन्होंने अपने नाम के साथ मेहंदी जोड़ दिया और अब उनका पूरा नाम हो गया दलेर मेहंदी, जो कि काफ़ी मशहूर हो गए। साल 1995 में दलेर मेहंदी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने तारारा गाना गाया, जिसके बाद से रातों रात वो लोकप्रिय हुए। आपको बता दें कि इस गाने ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस गाने की करीब 20 मिलियन कॉपी बेची गई थी। इसके बाद दलेर मेहंदी ने एक नया मुकाम हासिल किया। अमिताभ की फिल्म मृत्युदाता से, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उन्होंने नाना नाना नारे गाना गाया था और साथ ही साथ इसका कंपोज भी उन्होंने खुद ही किया था। इसके बाद उन्हें कई गाने मिलते गए और दलेर मेहंदी बॉलीवुड में एक बेहतरीन सिंगर के तौर पर जाने जाने लगे। साल 1997 में ही दलेर मेहंदी ने दर्दी रब रब के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पॉप सिंगर का अवार्ड भी इन्हें मिला था। दलेर मेहंदी ने मैग्रा साउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनके तीसरी म्यूजिक एल्बम 1997 में बल्ले बल्ले रिलीज हुई। इस म्यूजिक एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कई रिकॉर्ड तोड़े और कई नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। इसके बाद उन्हें द टर्बाइन, टॉर्नेडो और सुल्तान ऑफ स्विंग जैसे नामों से जाना जाने लगा। साल 1998 में उन्होंने आँख लड़ दी है तो लड़के दे जैसे प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोज किया था।
इस बॉलीवुड मूवी में वह गाना रवीना टंडन के लिए फिल्माया गया था। इनके दो साल के बाद यानी कि साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया गाना सजन मेरा सतरंगी रे गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसी एल्बम में उनका एक और गाना एक दाना में उन्होंने तीन तरह का संगीत प्रस्तुत किया था। इसके बाद साल 2001 में उन्हें यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ काला कौवा काट खाएगा गाना रिलीज हुआ जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ मिलकर मकबूल में रूबारू गाना गाया था। इसी साल उन्हें एआर रहमान के साथ नचले गाना भी गाया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा। साल 2017 में उन्होंने बाहुबली 2 में गाना गाया जिया रे बाहुबली जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। दिलेर मेहंदी को साल 2016 में उन्हें भारत सेवा रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके पहले साल 1994 में उन्हें वॉइस ऑफ एशिया के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिलेर मेहंदी के नाम साल 2003 में मानव तस्करी का एक मामला हुआ जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में उनके भाई शमशेर सिंह का भी नाम सामने आया था। हालांकि दिलेर मेहंदी अपनी पॉप सिंगिंग के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं, खास करके भारत में पॉप सिंगिंग लाने में इनका एक अहम योगदान रहा है। तो चल चलते आपसे एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि दिलेर मेहंदी का वो कौन सा गाना है जिसे आप हर बार गुनगुनाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।